नमस्कार, मैं देवना मुंजाल द सिटी हेडलाइंस देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। पद्मा अवार्ड्स को इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर माना जाता है। इन अवार्ड्स में भी तीन कैटेगरीज हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। लोगों को उनकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है, उनके हाई ऑर्डर की डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए पद्म भूषण से, और किसी भी फील्ड में विशिष्ट तरीके से सेवा करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में 8 नवंबर को पद्म अवार्ड सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में हुई, जहां पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने विनर्स को अवार्ड देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि इस साल 119 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं। अवार्ड विनर्स में से 29 महिलाएं थीं, एक ट्रांसजेंडर थी, जबकि 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता थे। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। पद्म विभूषण के लिए मरणोपरांत व्यक्तियों में भाजपा के दिग्गज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस शामिल थे। इसमें भारत की प्रसिद्ध बॉक्सर मैरी कॉम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने पद्म भूषण जीता। साथ ही सोशल वर्क के लिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और पब्लिक अफेयर्स के लिए डॉक्टर एससी जामिर ने ये अवार्ड जीता। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पंजाब से कुल 5 लोगों ने पद्मश्री अवार्ड जीता है। ये लोग हैं मिसेज रजनी बेक्टर, जिनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, मिस प्रकाश कौर, जिनको सोशल वर्क के लिए, डॉक्टर रतनलाल मित्तल, जिनको मेडिसिन के लिए, और श्री करतार सिंह जी एवं लाजवंती जी को आर्ट के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेलिब्रिटीज जैसे करण जौहर, एकता कपूर, कंगना रनौत और अदनान सामी को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।